दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहंड में। कैराना लोकसभा को लेकर जो हलचलें थी वो धीरे धीरे थम रही हैं, और हमारे साथ में कैराना लोकसभा प्रभारी डॉक्टर मनोज शिवाज जी हैं। उनसे ये जानेंगे जो कल से परिवर्तन की बात चल रही थी उसमें उनको क्या लगता है, किस तरीके से अभी बातचीत हुई चेयरमैन साहब से, उनको क्या लगता है और किस तरह से वो चुनाव को देख रहे हैं। नमस्कार जी। जी बोलिए साहब, क्या पूछना है? डॉक्टर साहब, जैसा कई दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ और सुबह से देख सकते हैं आप इधर जो मनीष चौहान के समर्थक हैं उनका जमावड़ा, मैं सहारनपुर तक के मेरे पास कॉल आ रही है कल से। क्या लगता है, क्या टिकट देकर कुछ ऐसा हुआ है कि ऊपर नीचे हो सकता है मामला? मनीष जी और ये परिवार, इस समाज का बहुत बड़ा परिवार, प्रभावी परिवार है हमारी। नॉर्थ इंडिया में कुछ चंद परिवार जो है उनमें से एक है, और ये ऐसा नहीं है, जो टिकट हुआ है ये पहले भी पार्टी के साथ थे और ये लोग हमेशा पार्टी के जहाँ पे रहते हैं साफ मन से रहते हैं और पार्टी के साथ ही रहेंगे, ये स्वाभाविक है। जब कोई टिकट मांगता हो, उसका इतना लंबा समर्थक हो, इतने इनके समर्थक हैं, तो उनकी अपेक्षा होती है, और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो स्वाभाविक है कहीं संतुष्टि असंतुष्टि का बोध तो होता ही है। पहले भी 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, पार्टी से हटके चले गए थे। अगर अब की बार ऐसा हो गया ना तो ये तो मामला खराब हो जाएगा बीजेपी का। राजनीति अगर पर नहीं चलती, राजनीति तो जो अभी तो है, अभी अभी जैसे ही जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ, वो भी सुलझा परिवार है, ये जो भी निर्णय लेगा देश के हित में लेगा और सबके समाज के हित में लेगा। मैं सुबह से काफी जो इनके समर्थक हैं बात हुई है, कह रहे हैं कि इकरा हसन भी गुर्जर है उसकी तरफ चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, समर्थक कोई कुछ भी कह सकता है किसी का, नेता क्या कह रहा है वो उसका समर्थक है ना। इनसे तो मना कर दिया हम आपका साथ नहीं देंगे, अब की बार बोलना भी मत गांव में। आप आदरणीय पत्रकार बंधु हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपना परिवार है और जिम्मेदार परिवार है, बड़ा राजनीतिक परिवार है, ये कोई भी डिसीजन इनके ऊपर इतना भरोसा क्यों नहीं जताया आपकी बार, तो इतना इन्होंने इतना मेहनत की। भरोसे का सिस्टम ऊपर है, टिकट जो होता है पार्लियामेंट बोर्ड से होता है। मनीष जी ने लंबी मेहनत की और ये हमारी पार्टी की पूंजी है, ऐसा नहीं है, और जो भी कुछ होगा सब पार्टी के लिए भी उचित होगा और सबके लिए ठीक होगा। मैं बहुत सारे गांवों में जा सकूँ, इधर रसूलपुर गुजरान गांव है, 29 लोगों पर केस है। उनका कहना है कि जो सांसद है, मौजूदा सांसद है प्रदीप चौधरी, एक बार भी हमारे बीच नहीं आए और हमारे कई कई लाख लाख रुपए लग चुके हैं, ऊपर से गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही, तो हम क्या करें? देखो ये विषय मेरे संज्ञान में तो है नहीं, मैं आपको बताऊँ जी, और ये इनका कितना लंबा पुराना क्या मसला है इसकी मुझे जानकारी है नहीं। जहाँ तक गन्ने का मसला है, गन्ने का पेमेंट पिछली सरकारों से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और जो जो इसके बजाज के मिल है उसमें गन्ने का पेमेंट कुछ कम रहा होगा, एक दो पेमेंट नहीं, तो सामान्यतः बहुत गन्ने का पेमेंट है, सब है। और जो चुनाव के मुकदमे, आदमी को अपने समर्थकों के लिए लड़ना चाहिए, और जो जैन लड़े ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई उसमें, बड़ा नाराजगी है। अभी चुनाव के बाद नहीं लड़े तो उसे हम कोशिश करेंगे व्यक्तिगत रूप से, आपने अब बताया है, इस पर कार्रवाई करेंगे। वो नहीं लड़ा, कोई दूसरा लड़ा होगा हमारी पार्टी का, क्या कोई तो उसमें कोशिश हुई होगी, नहीं हुई होगी तो अब कर लेंगे। नहीं, वहाँ पे जब चुनाव वोटिंग हो रहा था कुछ कई कारण बने जिसकी वजह से वहाँ फायरिंग भी हो गई थी। 5 साल पुराना मसला बता रहे हो आप, उनके लिए तो नया है ना, उनके लिए तो नया है पिछले चुनाव का। अच्छा 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 काफी नाराजगी है जिस चीज की वजह से, मैं काफी घूम चुका हूँ, लगभग 84 गाँव यहाँ है और उधर भी, मैं अभी गंगो से ही आ रहा हूँ, वहाँ भी काफी रोष जताया जा रहा है जो खासकर युवा है। राजनीति में स्वाभाविक है, नाराजगी भी होती है और सब कुछ होता है, लेकिन राजनीतिक आदमी की जिम्मेदारी होती है, नाराज को मनाया भी जाता है, उनसे बात भी की जाती है, सारे रास्ते निकलते हैं समय। चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, लोकसभा के चुनाव को कैराना सीट पर खासकर, चुनाव सब लोग साथ है, और जब टिकट होता है स्वाभाविक प्रक्रिया है, टिकट में एक का नाम नहीं जाता, 3-3 नाम जाते हैं, सबको पता होता है मेरा भी है। अब 2 का नहीं होगा, 1 का होगा, समझ गए ना। तो उनके कोई, हमारे जैसे मनीष है, एग्रेसिव लीडर है हमारे, मजबूत जमीन पे काम करते हैं, तो इनके समर्थक भी थोड़े थोड़े उसी तरह का हो गए, तो उनका जो एग्रेशन होगा वो आपको पता है। कुछ ऐसे बेचारे साइलेंट होकर नाराज रहते हैं, मतलब एक उमंग होती है, मेरे का हो जा, ऐसा नहीं है, एक का होगा। लेकिन ये आपने देखा होगा बीजेपी का, जब भी किसी का टिकट होता है, हमारा घर है ये, हमारा परिवार है, हमारी पार्टी के लोग हैं और मजबूत लोग हैं, इनके ऊपर चुनाव का हमें भारी लाभ होने वाला है, यही लोग चुनाव लड़ाएंगे। विधानसभा तो कोई लाभ नहीं हुआ, वहाँ भी टिकट की उम्मीद थी। विधानसभा को छोड़े, लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, लोकसभा में आया हूँ, ये जीतेंगे और सब लोग जिताएंगे।
सब लोग। अच्छा, जो केस लगे उनके लिए क्या करना चाहेंगे? केस चुनाव के बाद देखेंगे। अब आपने आज बताया मतलब बात, केस वाला विषय चुनाव के बाद देखेंगे। व्यक्तिगत रूप से हम उसमें देखेंगे क्या हो सकता है, हर संभव कोशिश की जाएगी, किसी का न्याय नहीं होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये डॉक्टर मनोज शिवाजी थे जो यहाँ पे कैरन लोकसभा प्रभारी बनाकर इनको भेजा गया है, और लगातार हम कवरेज आपको दिखा रहे हैं, क्षेत्र की खबरें आपको दिखा रहे हैं। आप जुड़े रहे गांव गुआंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।